दोस्तों आपने पनीर बटर मसाला तो कई बार खाया होगा, बट पनीर जैसे दिखने वाली ये सब्जी कभी भी नहीं खाई होगी। तो जब घर में कोई भी सब्जी ना हो, पनीर ना हो, तो बनाएं इस रेसिपी को। गारंटी के साथ कहती हूँ फ्रेंड्स कि आपकी जुबान से इसका स्वाद कभी भी नहीं जाएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कप चना दाल को अच्छे तरीके से 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। चना दाल अच्छे से भीग चुका है तो एक मिक्सी के जार में इसे डाल देंगे। मैंने चना दाल को मिक्सी में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ भी डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है इनसे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी आधी प्याज, आप छोटी प्याज ले सकते हैं यहाँ पर, इससे भी बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और साथ ही में जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा। इसके फ्लेवर को और भी बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। दही के साथ ही हम इसे पीसेंगे भी, इसमें पानी का यूज़ हम नहीं करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे चना दाल को पीस लिया है बिल्कुल स्मूथ सा, और कुछ इस तरह का गाढ़ा सा ये पीस चुका है। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है, आप कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 2 ग्लास पानी। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी इसमें डाल दिया है, आपको 1.5 से 2 ग्लास पानी ही लेना है। अब मैंने यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा लिया है जिसे हम इस पतीले के ऊपर बांध देंगे अच्छे तरीके से। आप यहाँ पे कोई भी कॉटन का रुमाल भी ले सकते हैं, तो अच्छे से टाइटली इसे बांध देंगे। तो यहाँ पे टाइटली पतीले में मैंने कपड़े को बांध दिया है। अब इसे गैस पे रख देते हैं और यहाँ पे जो बैटर हमने तैयार किया था दाल का, उसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। साथ इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल की वजह से ये चिपकता नहीं है अच्छे से। अब आपको सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए इसे 10 से 15 मिनट तक फेंट लेना है। इस तरह से जितना हम इसे फेंटेंगे उतना ही ये बैटर फ्लफी हो जाएगा और हमारी रेसिपी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनेगी, क्योंकि हम इसमें ना तो यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा का ना ही इनो का। तो अच्छे से 10 से 15 मिनट तक फेंटने पर बैटर फ्लफी हो जाएगा, अच्छे से फेंट लें। तो देखिए मैंने यहाँ पे खूब अच्छे से इसे 10 से 15 मिनट तक फेंट लिया है। बैटर हमारा काफ़ी ज़्यादा फ्लफी हो गया है, सॉफ्ट हो गया है और यहाँ पे हमारा पानी भी उबल चुका है जिसे हमने गैस पे रखा हुआ था। तो इसमें हम डाल देंगे बैटर और इस तरह से डोसे की तरफ फैला देंगे। इस तरह से हमें बैटर को डालते जाना है इसमें और फैलाते जाना है। यकीन जानिए दोस्तों ऐसी रेसिपी आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी, एक बार खाएंगे तो हमेशा के लिए रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे। तो देखिए मैंने इसे फैला दिया है। अब हम इसे ढककर स्टीम होने के लिए रख देंगे गैस पे 10 से 15 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब तक ये पक रहा है दोस्तों तब तक एक और मसाला तैयार कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे एक मिक्सी के जार में हम डालेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन की कलियाँ और साथ ही में डालेंगे इसमें 2 बड़े टमाटर। टमाटर का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें और साथ ही इसे बहुत ही रिच और क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के सफ़ेद तिल। साथ ही में इसमें जाएगा 4 से 5 काजू। बहुत ही टेस्टी और क्रीमी टेक्सचर आता है इसे। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पर आप थोड़ी सी मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे से सभी चीज़ों को हमें पीस लेना है। यहाँ पे भी पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया था, आप चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा मसाला पीस कर हो चुका है। तो देखिए इस तरह से पीस चुका है ये। और यहाँ पे जो हमने स्टीम होने के लिए दाल को रखा था उसे भी चेक कर लेते हैं। तो किसी नाइफ या टूथपिक की सहायता से आप इस तरह से इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है, अच्छे से ये स्टीम हो चुका है। तो इसे निकाल लेते हैं और जैसे ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो इस तरह से कपड़े से इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल गर्म में बिल्कुल ना निकालें, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो देखिए इसमें तेल मिलाने की वजह से ये बिल्कुल भी कपड़े पे नहीं चिपका है। अब फिर से आ जाते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को गैस पे अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच जीरा और 1/2 छोटा चम्मच हींग डाल करके अच्छे से चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाना चाहिए प्याज, मतलब कि इसका कलर चेंज नहीं करना है आपको, इसका ध्यान रखते हुए इसे भूनेंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाता है इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन।
बेसन डाल करके धीमी आंच पे बेसन को भी अच्छे से भून लेना है हमें। बेसन डालने से इसका स्वाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और धीमी आंच पे जब ये भूनता है तो इतनी अच्छी खुशबू और फ्लेवर छोड़ता है रेसिपी में कि क्या कहने। तो धीमी आंच पे बेसन को अच्छे से हमें भून लेना है। बेसन को मैंने धीमी आंच पे खूब अच्छे से भून लिया है 2 मिनट तक। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच ऐड कर देंगे गरम मसाला। मिला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे धीमी आंच पे 1 मिनट तक मसालों को। मसाले अच्छे से जैसे ही भुन जाते हैं इसमें डाल देंगे 1 कप फेंटा हुआ दही। दही यहाँ पे बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लेनी है आपको। अच्छे से दही को डालने के बाद तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता और मसाला तेल नहीं छोड़ देता, नहीं तो दही फट सकती है। तो देखिए, अच्छे से मैंने चलाते हुए मसाले को तब तक भूना है जब तक इसमें से तेल अलग नहीं हो गया है और मसाला खूब अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसमें बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, बिल्कुल बटर पनीर मसाले वाला। तो इसे भी मिला लिया है मैंने, साथ ही में वो पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। मसाले के साथ इसमें 1/2 कप पानी भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को चलाते हुए। यहाँ पर जो मसाले में हमने काजू और तेल का इस्तेमाल किया है, इससे हमारी जो ग्रेवी तैयार होगी ना, इतनी ज़्यादा टेस्टी तैयार होगी कि आप उंगलियां चाट जाएंगे। बिल्कुल बटर पनीर मसाले वाला टेस्ट आएगा इसमें। अगर आपने वो खाया है तो आपको पता होगा कितनी ज़्यादा रिच और क्रीमी होती है उसकी ग्रेवी। तो चलिए इसे ढककर अब पकने देते हैं धीमी आँच पे। और यहाँ पे जो हमने दाल को स्टीम करके रखा है उसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखिए, मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं और कितने ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं बिना इनो बिना सोडा के, बिल्कुल पनीर जैसे सॉफ्ट। तो चलिए अब मसाले को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक मसाला भून रहा था धीमी आंच पे और अच्छे से इसने तेल छोड़ दिया है। देखिए, मसाला खूब अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें दाल के छोटे छोटे पीसेस कट किए हुए डाल देंगे, साथ ही में हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 ग्लास पानी और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे फिर से ढक देंगे और ढककर पकाएंगे धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट तक के लिए, ताकि जितने भी दाल के पीसेस हैं उनमें ग्रेवी का फ्लेवर अच्छे से चला जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच पे ढककर मैंने इसे फिर से पका लिया है और कितने अच्छे से हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छे से पककर ये भुन चुकी है। तो यहाँ पे ग्रेवी आपको जितनी रखनी है उतनी आप पानी ऐड करके इसे गाढ़ी या पतली कर सकते हैं। और देख सकते हैं, बिल्कुल बटर पनीर मसाला ही लग रहा होगा। पहली नज़र में तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बटर पनीर मसाला नहीं है। ये देखिए कितनी शानदार, कितनी रिच ग्रेवी है और फ्लेवर क्या कहने इसके। खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही है ना कि मुंह में आ गया है मेरे पानी। तो जाइए, आप लोग भी झटपट से रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। रोटी, नान, पराठे, चपाती, राइस, किसी के साथ भी आप इसे खाएं, सबके साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो जल्दी से रेसिपी को ट्राई करें अपने घर पर। दाल के पीसेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आप कट करेंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह ये कट जाएगा। और देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और कितने आसानी से टूट रहा है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलूंगी ऐसे ही नई यूनिक और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक चैनल को कर लें सब्सक्राइब। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।